गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू कमल एकेडमी। मैं राज त्यागी, कमल एकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आ गए हैं सभी लोग। गुड मॉर्निंग दीपक, गुड मॉर्निंग हार्दिक। एक बार प्लीज वॉइस का कंफर्म करें, क्या वॉइस में आज भी कुछ इशू आ रहा है या क्लियर है? कंफर्म करें एक बार भाई। वॉइस क्लियर है? ओके, क्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। कल हमने आपके, अगर कल के सेशन की मैं बात करूं तो कल हमने ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कंसेप्ट समझे थे शुरू में, कि जितने भी कंसेप्ट ब्लड रिलेशन के बनते हैं, कि रिलेशंस के किस किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से रिलेशन होते हैं, किस तरह से उनको पिक्टोरियल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से हम फैमिली ट्री बनाते हैं, किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कपल है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर फादर और सन का रिलेशन है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जनरेशन कैसे देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है। ठीक है, तो ये सब बातें हमने कल की क्लास में डिस्कस की थी और एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था उसके ऊपर हमने, ब्लड रिलेशन से रिलेट के ऊपर। ठीक है, तो आज आगे ही उस सीरीज को ही कंटिन्यू करते हुए ब्लड रिलेशन से रिलेटेड बाकी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो आप लोग सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठे भाई। ठीक है, ये नहीं कि वीडियो चल रही है देख रहे हैं, मैं हमेशा से यही बात कहते आया हूँ, जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक नहीं सीख पाओगे चीज़ों को। ठीक है, खुद से भी ट्राई करना है और अगर नहीं हो रहा तो फिर मैं हूँ यहाँ पे तुम लोगों को सिखाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक है भाई, आ गए हैं सभी लोग। एक बार सब लोग अटेंडेंस देंगे। ठीक है भाई, सब लोग कमेंट में पी लिखेंगे जो जो लोग आ चुके हैं। ठीक है, जितने लोग भी आ चुके हैं सब एक बार कमेंट बॉक्स में पी टाइप करेंगे, यानी प्रेजेंट। अटेंडेंस के बाद फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग अपना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 to 6 बोल रहा है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। आईबीपीएस पीओ प्री 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि ए इज द मदर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, डी इज द सन ऑफ सी, ई इज द ब्रदर ऑफ डी, एफ इज द मदर ऑफ ई, जी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ए, एच हैज ओनली 2 children बी एंड सी। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन समझा देता हूं एक बार आप लोगों को। बोल रहा है कि ए इज द मदर ऑफ बी, ए बी की माता है। ठीक है, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी सी की सिस्टर है, डी इज द सन ऑफ सी, डी सी का सन है। आगे बोल रहा है अगली इंफॉर्मेशन में, ई इज द ब्रदर ऑफ डी, ई और डी ब्रदर है, यानी ई डी का ब्रदर है। एफ इज द मदर ऑफ ई, एफ ई की मदर है, जी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ए, जी ए की ग्रैंड डॉटर है। H has only 2 children B and C. H के केवल 2 बच्चे हैं B और C. ठीक है भाई, तो सब लोग एक बार खुद से ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। सब लोग ट्री बनाने की कोशिश करेंगे, फैमिली ट्री बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे साथ साथ मैं भी आप लोगों को सिखा रहा हूं। बोल रहा है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। बोल रहा है A is the mother of B. A मदर है किसकी, B की। चलिए, A मदर है किसकी, B की। तो वही नोटेशन, सबसे पहले फीमेल को बॉक्स से, वो सॉरी मेल को बॉक्स से और फीमेल को सर्कल से। ठीक है, तो ए इज द मदर ऑफ बी, जब ए मदर है तो ए तो भाई फीमेल हो गई। ठीक है, और किसकी मदर है, बी की, बट बी का भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं हुआ है कि वो बी लड़का है या लड़की है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी सी की सिस्टर है। ठीक है, बी सी की सिस्टर है, यानी बी सिस्टर है, तो बी भी क्या हो गई, फीमेल, और किसकी सिस्टर है, सी की सिस्टर है, अभी सी का जेंडर स्पेसिफाई नहीं हुआ है। आगे बोल रहा है कि डी इज द सन ऑफ सी, डी जो है वो सी का सन है। चलिए अगली जनरेशन में आ जाते हैं, फिर डी क्या है, सी का सन है। चलिए डी सन है तो मेल है, चलिए बॉक्स से हमने डी को बॉक्स में बंद कर दिया क्योंकि वो मेल है। फिर बोल रहा है
कि डी इज सॉरी ई इज द ब्रदर ऑफ डी, ई इज द ब्रदर ऑफ डी, ई जो है वो डी का ब्रदर है, तो भाई सबलिंग्स वाला तो यही है ना, सेम जनरेशन, और ई भी क्या है ब्रदर है, तो ई भी क्या आएगा बॉक्स में आएगा, क्योंकि ई भी ब्रदर है तो मेल है। ठीक है, यहां तक बताइए, यहां तक क्लियर हुई सभी को बात, यहां तक बातें क्लियर हैं सभी को? ठीक है, आगे बोल रहा है कि एफ इज द मदर ऑफ ई, एफ इज द मदर ऑफ ई, ई की मदर एफ है। ठीक है, तो यहां पे लिख लेता हूं मैं, जो एफ है वो ई की मदर है, तो जब मदर है तो क्या वो फीमेल होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है, अब देखिए भाई, डी किसका सन था? सी का सन था, और ई किसका ब्रदर था? डी का ब्रदर था, और एफ कौन थी? ई की मदर। तो जब एफ ई की मदर है तो एफ डी की भी मदर हुई, और सी क्या हुआ? डी का फादर हुआ इस हिसाब से, और ई का भी फादर हुआ, तो सी का जेंडर स्पेसिफाई हो गया, क्या हो गया? सी मेल हो गया। ठीक है, ये बात समझ आई? सी का जेंडर स्पेसिफाई होने वाली बात समझ आई कि हमने सी का जेंडर किस तरीके से स्पेसिफाई किया है, ये बात समझ आई आप लोगों को? बोलिए भाई, प्लीज कमेंट कीजिए, क्या आप लोगों को ये बात क्लियर हुई कि सी का जेंडर किस तरह से स्पेसिफाई किया है, या एक बार और एक्सप्लेन करने की जरूरत है? बोलिए जल्दी से बताइए। चलिए, तो सी का जेंडर स्पेसिफाई हो गया है, सी मेल है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि जी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ए, जी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ए, ए ये है, और ग्रैंड डॉटर की अगर बात करूं तो मैं थर्ड जनरेशन में आएगा, ये फर्स्ट जनरेशन ए की जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, और थर्ड जनरेशन की बात करूं तो थर्ड जनरेशन इस जनरेशन में ग्रैंड डॉटर वाला कंसेप्ट आएगा। क्यों भाई? इस जनरेशन में ही आएगा। चलिए, तो लिख लेता हूं मैं कि जी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ए। अभी मेरे को नहीं पता कि जी कौन है, जी के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो मैं जी को यहां पे लिख लेता हूं कि ये जी ग्रैंड डॉटर है, कभी इस जनरेशन में आएगी, और ग्रैंड डॉटर है तो क्या होगा? फीमेल होगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई? अभी मुझे नहीं पता हो कि डी का भाई है या ई की बहन है, क्या है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। और हाँ, सी और एफ क्या हो गए? हस्बैंड वाइफ। आगे बोल रहा है एच हैज ओनली टू चिल्ड्रन बी एंड सी, एच के सिर्फ दो बच्चे हैं बी और सी, तो जब बी और सी एच के दो बच्चे हो गए तो एच कौन होगा? ए का हस्बैंड होगा या नहीं होगा? बोलो भाई, एच कौन होगा? ए का हस्बैंड होगा, क्योंकि जब ए के दो बच्चे हैं बी और सी, और एच के भी दो बच्चे हैं ए और सी, ए फीमेल है और एच क्या होगा? मेल होगा, तो ए का हस्बैंड कौन हो गया? एच हो गया। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात? बोलिए भाई, इतनी बातें क्लियर हैं? फैमिली ट्री क्लियर हुआ सभी को? चलिए, क्लियर है। तो अब फैमिली ट्री हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी जी के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, बस ये बताया था कि ए की ग्रैंड डॉटर है जी। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, अब क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं इस पे। अब अगर पहले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो बोल रहा है हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, एफ एच से किस तरीके से रिलेटेड है, एफ एच से किस तरीके से रिलेटेड है, एफ ये रहा और एच ये रहा। ठीक है, किसका रिलेशन पूछा है? एफ का रिलेशन पूछा है एच से। ठीक है, तो बताइए, सब लोग आंसर करेंगे, जल्दी से बताइए, एफ एच का क्या लगेगा या क्या लगेगी? फीमेल है तो क्या लगेगी? एफ एच की क्या लगेगी, क्या रिलेशन है? दीपक, सुप्रीम किंग, ऑप्शन सी यानी फादर इन लॉ, यही गलती कर रहे हो तुम हार्दिक। सबसे पहले रिलेशन समझना है कि किसका रिलेशन किससे पूछा गया है। एफ का रिलेशन पूछा गया है एच से कि एफ एच की क्या लगेगी, ठीक है, क्या होगी। ठीक है, ये नहीं पूछा कि एच एफ का क्या होगा। दीपक, ऑप्शन बी डॉटर इन लॉ, बिल्कुल सही। देखो भाई हार्दिक, एफ का रिलेशन पूछा है कि हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, कि एफ एच से किस तरीके से रिलेटेड है। अब एच यहाँ पे क्या है? मेल है, ए का हस्बैंड एच है, और एफ क्या है? जो एच का बेटा है सी, उसकी वाइफ है एफ।
ठीक है, एच का बेटा कौन है, सी, सी की वाइफ है एफ, तो जब सी की वाइफ एफ है और एच क्या है, सी का फादर, तो एफ क्या हो गई, डॉटर इन लॉ, एच की डॉटर इन लॉ हो गई एफ, ठीक है, एच की डॉटर इन लॉ कौन हो गई एफ, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, डॉटर इन लॉ, ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात, क्यों भाई क्लियर है, अब आया समझ में हार्दिक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है हाउ इज सी रिलेटेड टू ई, हाउ इज सी रिलेटेड टू ई, सी रिलेटेड टू ई, सी और ई का रिलेशन पूछ रहा है कि हाउ इज सी रिलेटेड टू ई, ठीक है, सी ई का क्या होगा, सी ई का क्या होगा, बताइए भाई क्या होगा सीई का, जल्दी से, दीपक सुप्रीम किंग, सी मदर, सी सी सीई का क्या होगा, देखो भाई सी क्या है, यहां पे एफ का हस्बैंड है सी, ठीक है, सी एफ का हस्बैंड है और डी और ई e कौन है, सी और एफ के बच्चे, ठीक है, डी और ई e, सी और एफ के बच्चे हैं, तो सी क्या होगा डी और ई e का, यानी ई e का पूछा है मेरे से, डी का नहीं पूछा, बट ई e का क्या होगा, सी क्या होगा, सी ई e का फादर, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है बात, जल्दी नहीं करनी है, पहले क्वेश्चन समझना है, दीपक ने सही आंसर किया है, हार्दिक ने भी सही किया है, ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझना है कि किसका रिलेशन किससे पूछा है, अगर नहीं समझ पा रहे हो इस तरीके से तो खुद से रिलेट करो भाई, कल मैंने आप लोगों को बताया था, तीन चार पॉइंट बताए थे मैंने, वो चार पॉइंट हमेशा ध्यान में रखने हैं, ठीक है, कि पहले कि किसका रिलेशन किससे पूछा गया है और फिर रिलेशन को खुद से कोरिलेट करना है, ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द मदर ऑफ जी, हु इज द मदर ऑफ जी, जी की मदर कौन है, बताइए जल्दी क्या होगा इसका आंसर, हु इज द मदर ऑफ जी, हु इज द मदर ऑफ जी, देखो भाई जी को क्या बोला था, ए की ग्रैंड डॉटर जी बोला गया था, ठीक है, मदर की बात आती है कि जी की मदर कौन होगी, अब ग्रैंड डॉटर है जब ए जी की, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो जी सी और एफ की बेटी हो या जी बी की बेटी हो, ठीक है, सी और एफ की बेटी हो या जी बी की बेटी हो, ठीक है, अब यहां पे देखो भाई दीपक डी आइदर बी और एफ, ठीक है भाई, तो देखो भाई अब मदर की बात हुई है तो सिर्फ फीमेल काउंट करेंगे, सी मेल है तो सी को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, अब पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि जी की मदर होने की, या तो जी की मदर बी होगी या एफ होगा, ठीक है, जी की मदर या तो बी होगी या एफ होगा, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी आइदर बी और एफ, क्योंकि क्या बोला था कि ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ जी, अब मदर वाली पॉसिबिलिटी सिर्फ दो बचती है, या तो बी या एफ, ठीक है, क्लियर हुई है बात कि कैसे बी और एफ आंसर है इस क्वेश्चन का, बोलिए भाई क्लियर है, जिन लोगों ने अभी सेशन को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, प्लीज वो लोग शेयर कर दे सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ भी और सेशन को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सेशन को, चलिए यहां तक क्लियर हुई सभी को बात, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, क्या बोल रहा है कि एस इज द ओनली सन ऑफ वी, एस इज द ओनली सन ऑफ वी, एस वी का इकलौता पुत्र है, वी इज मैरिड टू आर, वी की शादी आर से हुई है,
एम इज द डॉटर ऑफ आर, एम आर की डॉटर है, ठीक है। आर इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए, आर ए की ग्रैंड मदर है। हाउ इज एस डेफिनेटली रिलेटेड टू ए, एस का ए से सही संबंध क्या होगा, ठीक है। एस का ए से सही संबंध क्या होगा, तो सबसे पहले वही सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला है, अगर पहली इंफॉर्मेशन लूं, बोल रहा है कि एस इज द ओनली सन ऑफ वी। चलिए मैं आपको ऑप्शंस भी दे देता हूं, आप लोग खुद भी ट्राई करें एक बारी से। बोल रहा है एस इज द ओनली सन ऑफ वी, एस इज द ओनली सन ऑफ वी, ठीक है। एस जो है वो वी का एकमात्र बेटा है, ठीक है। एस सन है तो मेल हो गया, वी अभी का, वी का जेंडर अभी स्पेसिफाई नहीं हुआ है। फिर बोल रहा है कि वी इज मैरिड टू आर, वी और आर कपल्स हैं, ठीक है। वी इज मैरिड टू आर, चलिए फिर कह रहा है एम इज द डॉटर ऑफ आर, एम इज द डॉटर ऑफ आर, यानी वी और आर की एक बेटी भी है जिसका नाम क्या है, एम, ठीक है। डॉटर है तो फीमेल और एस की बहन हो गई, ठीक है, एस की बहन हो गई। चलिए फिर आगे बोल रहा है कि आर इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए, आर इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए। जब आर ग्रैंड मदर हो गई तो आर फीमेल हो गई और वी क्या हो गया, मेल हो गया, ठीक है। यानी एस और एम का फादर वी है और आर एस और एम की मदर है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि आर इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए, ए की ग्रैंड मदर कौन है, आर है। अभी ए को मैं यहां पे लिख लेता हूं, अभी मुझे नहीं पता कि ए एस का, एस की बेटी है, एस का बेटा है या एम का बेटा है या एम की बेटी है, ठीक है। अब बोल रहा है हाउ इज एस डेफिनेटली रिलेटेड टू ए, ठीक है। हाउ इज एस डेफिनेटली रिलेटेड टू ए, अब पूछ रहा है कि एस का ए से क्या रिलेशन है, एस का ए से क्या रिलेशन है। सभी लोग बताएंगे कि एस का ए से क्या रिलेशन है, बोलिए भाई। ठीक है, अब देखो ये बात क्वेश्चन में ही छिपी हुई थी। सबसे पहले उसने कह दिया था कि S इज द ओनली सन ऑफ V, ठीक है। S क्या है, V का ओनली सन है, ठीक है, सिर्फ एकमात्र बेटा है V का, ठीक है। फिर कह रहा था M इज द डॉटर ऑफ R, M जो है R की डॉटर है, R इज द ग्रैंड मदर ऑफ A, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं हाउ इज S डेफिनेटली रिलेटेड टू A, ठीक है, तो भाई ए तो ये हो गया थर्ड जनरेशन वाला। अब अगर इसमें बिल्कुल सही डेफिनेट रिलेशन देखूं एस और ए का, ठीक है, एस और ए का अगर डेफिनेटली रिलेशन देखूं तो क्या होगा, ठीक है, क्या बताया, सुप्रीम किंग ऑप्शन ए, अंकल, अंकल भी पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर एम की बेटी है एस तो एस अंकल हो सकता है। दीपक कांट बी डिटरमाइंड, बोल सकते हैं कांट बी डिटरमाइंड दीपक, बट दीपक अब आंसर बदल दिया आपने, ऑप्शन ए पे आ गया। एक ऑप्शन रखना है यार, बार बार आंसर क्यों चेंज करते हो, एग्जाम में ये नहीं होगा कि आप बार बार आंसर चेंज कर पाएंगे, जो एक बार टिक कर दिया वही आपका आंसर होगा, ठीक है। या एग्जाम में भी आंसर चेंज करते रहोगे, बार बार एक ही क्वेश्चन को करोगे क्या, बोलिए भाई। देखिए अगर डेफिनेट रिलेशन देखूं तो कांट बी डिटरमाइंड हम बोल सकते हैं, इसका आंसर हम कांट बी डिटरमाइंड बोल सकते हैं, क्योंकि ए का हमें नहीं दिया गया कि एम की बेटी है या एस की बेटी है, ठीक है। बट अगर मैं ये बोल रहा है कि डेफिनेटली, जहां इसने क्वेश्चन में डेफिनेटली लगा दिया डेफिनेटली रिलेटेड टू, तो कांट बी डिटरमाइंड वाली पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई यहां पे हमारी, ठीक है। अगर डेफिनेट रिलेशन देखूं एस का ए से, तो एस ए का क्या होगा, एस ए का फादर होगा भाई, ठीक है। अगर डेफिनेट रिलेशन की बात कर दी इसने तो एस ए का फादर होगा, ठीक है, ना अंकल होगा ना कांट बी डिटरमाइंड होगा, ठीक है। दीपक अंकल, अंकल नहीं होगा भाई, एस का डेफिनेट रिलेशन पूछा है ए से, डेफिनेटली। अगर ये पॉसिबिलिटी मैं खत्म कर दूं कि ये
एम की बेटी है, तो एस का अगर डेफिनेटली रिलेशन देखूं, सिर्फ एस से ही इसका रिलेशन देखूं, तो एस की बेटी होगी या नहीं होगी, या बेटा होगा ए, ठीक है, एस जो होगा वो ए का बेटा या बेटी होगा, सॉरी एस जो होगा वो ए का फादर होगा, ठीक है, ए जो है एस का बेटा या बेटी होगा, अगर डेफिनेट रिलेशन की नहीं बात बात करूं। सर समझ नहीं आया दीपक, दीपक देखो ये बात समझो भाई, क्वेश्चन में बोल दिया कि हाउ इज एस डेफिनेटली रिलेटेड टू ए, डेफिनेट रिलेशन पूछा है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं पूछी है, सिर्फ डेफिनेट रिलेशन पूछा है। अगर डेफिनेट रिलेशन की बात करूं कि सिर्फ एस से ही ए का रिलेशन देखूं, एम को मैं यहाँ पे नेगलेक्ट कर दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, एम को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए नेगलेक्ट कर दे रहा हूँ, अगर हाँ ये डेफिनेट नहीं होता और पूछता हाउ इज एस रिलेटेड टू ए, तो मैं इसमें कांट बी डिटरमाइंड लगा सकता था, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ए किसका चाइल्ड है, एस का चाइल्ड है या एम का चाइल्ड है, बट यहाँ पे इसने क्या लगा दिया कि डेफिनेटली रिलेटेड टू ए, हाउ इज एस डेफिनेटली रिलेटेड टू ए, तो जब डेफिनेट रिलेशन की बात कर रहा है तो ए जो है वो एस का चाइल्ड है, तो एस ए का क्या हुआ, एस क्या है मेल है, तो मेल है तो फादर हुआ ना ए का, एस बोलिए भाई एस ए का फादर हुआ या नहीं, अब क्लियर हुआ दीपक, बोलिए भाई क्लियर हुई है बात या नहीं, अब समझ आया। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो प्लीज बता दीजिए आप लोग, मैं फिर से समझा दूंगा। बताइए भाई, कमेंट कीजिए जल्दी से। अच्छा अंकल क्यों नहीं हो सकता, अंकल इसलिए नहीं हो सकता, देखो अगर यहाँ एस का रिलेशन पूछा है, ठीक है, एस का डेफिनेटली रिलेशन पूछा है, अंकल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एस क्या है, एम की सिस्टर है, ठीक है, अगर वो एम से पूछता, अगर वो एम से पूछता इसका एक डेफिनेट रिलेशन, तो एम क्या होती, ए की मदर हो जाती, ठीक है, एम ए की मदर हो जाती, ठीक है, तो इसलिए अंकल नहीं हो सकता, अगर वो दे के रखता कि ए इज द डॉटर ऑफ एम या ए इज द सन ऑफ एम, अगर दे के रखता कि ए इज द सन ऑफ एम या ए इज द सन ऑफ ए इज द सन ऑफ एम या ए इज द डॉटर ऑफ एम, तब एस अंकल हो सकता था, ठीक है, तब एस को हम अंकल ले सकते थे, ठीक है भाई, अब समझ आया हार्दिक। अच्छा सर वो सीधा रिलेशन बना रहा है एस टू ए, बिल्कुल सही दीपक, वो सीधा रिलेशन बना रहा है, अब आया समझ हार्दिक, अब क्लियर हुई बात भाई, हार्दिक क्लियर है अब बात, ओके ठीक है आगे चलें, यहां तक क्लियर हुआ सभी को कि इसका आंसर फादर क्यों हुआ, इसके डेफिनेट रिलेशन था तो इसका आंसर फादर था, ठीक है, एस इज द फादर ऑफ ए, ठीक है क्लियर यहां तक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईबीपीएस प्री 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, पीओ का क्वेश्चन में बोल रहा है कि आर इज मैरिड टू यू, यू इज द मदर ऑफ आई, एल इज द सिस्टर ऑफ डी, यू हैज ओनली वन डॉटर, डी इज मैरिड टू जे, के इज द सन ऑफ जे, एफ इज द मदर ऑफ जे, इसको थोड़ा सही कर लेना है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये मदर ऑफ जे है पूरा, ठीक है, तो सबसे पहले क्या भाई फैमिली ट्री बनाएंगे भाई, सब लोग फैमिली ट्री बनाए, पहले फैमिली ट्री बनाए सब लोग, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखते ही सबसे पहला काम फैमिली ट्री बनाने का होता है, फैमिली ट्री बनाएंगे सभी लोग, चलिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या दी गई है कि आर इज मैरिड टू यू, आर और यू कपल्स हैं, ठीक है, आर और यू कपल्स हैं, फिर बोल रहा है कि यू इज द मदर ऑफ आई, यू मदर है तो यानी यू क्या हो गई फीमेल और आर मेल, यू इज द मदर ऑफ आई, आई क्या हो गया यू और आई का चाइल्ड, ठीक है, आगे बोल रहा है कि एल इज द सिस्टर ऑफ डी, एल इज द सिस्टर ऑफ डी, चलिए अभी डी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, सो इसको हम इधर लिख लेते हैं कि एल इज द सिस्टर ऑफ डी, यानी एल सिस्टर है डी की, यानी एल फीमेल है, चलिए अब आगे देखते हैं,
आगे बोल रहा है यू हैज ओनली वन डॉटर डी, यू की सिर्फ एक डॉटर है डी। तो जब यू की सिर्फ एक डॉटर है डी, तो डी क्या होगी, आई की बहन होगी, ठीक है। यू हैज ओनली वन डॉटर, यू की सिर्फ एक डॉटर है, डी नहीं, डी थोड़ा अगला कंसेप्ट है। तो यू की सिर्फ एक डॉटर है, चलिए यू की सिर्फ एक डॉटर है, चलिए। आगे बोल रहा है कि डी इज मैरिड टू जे, तो जब यू की एक डॉटर हो गई और एल और डी क्या है, भाई और बहन है, तो एल क्या हो गया, एल किसकी डॉटर हो गई, यू की, और डी क्या हो गया, ब्रदर हो गया, यानी मेल हो गया, और आई भी क्या हो गया, मेल हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर हुई बात सभी को, यहां तक बताइए, यहां तक फैमिली ट्री बनाने में किसी को कोई प्रॉब्लम, कमेंट करेंगे सभी लोग, बताएं यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, आगे बोल रहा है डी इज मैरिड टू जे, डी इज मैरिड टू जे, चलिए डी और जे कपल्स हैं भाई, तो डी मेल है, तो जी जे क्या हो गया, फीमेल। फिर बोल रहा है के इज द सन ऑफ जे, के इज द सन ऑफ जे, के सन है किसका, जे का सन है, तो मेल है। एफ इज द मदर ऑफ जे, एफ इज द मदर ऑफ जे, चलिए एफ क्या है, जे की मदर है, चलिए। यहां तक क्लियर है बात, फैमिली ट्री बनके तैयार हो गया है, यहां तक बताइए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, F is the mother of J. ठीक है, यहां तक क्लियर हुई सभी को बात, कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दी गई है उस इंफॉर्मेशन को पिक्टोरियल फॉर्म में अरेंज कर लेना है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है हाउ इज D रिलेटेड टू F, हाउ इज डी रिलेटेड टू एफ, बताइए भाई हाउ इज डी रिलेटेड टू एफ, हाउ इज डी, कहां है डी, ये रहा डी, रिलेटेड टू एफ, डी और एफ में क्या रिलेशन है, यानी डी एफ से किस प्रकार संबंधित है, बताइए डी एफ का क्या लगेगा, ठीक है, रिलेशन को समझे, किसका रिलेशन किससे पूछा है, डी का रिलेशन पूछा है एफ से, तो क्या होगा, डी का रिलेशन एफ से, हार्दिक ऑप्शन डी, वेरी गुड हार्दिक, सन इन लॉ, देखिए भाई डी की वाइफ कौन है, जे, और जे की मदर कौन है, एफ, ठीक है, और डी क्या है, जे का हस्बैंड, तो जे की मदर का डी क्या लगेगा, सन इन लॉ ही तो होगा भाई, समझे बात, क्या होगा, सन इन लॉ, ठीक है, क्लियर हुई ये बात, डी इज द सन इन लॉ ऑफ एफ, क्लियर है ये, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार बोल रहा है हाउ इज आर रिलेटेड टू के, How is R related to K? R ये रहा और K ये रहा, अब बोल रहा है How is R related to K? ठीक है, तो जो K है वो D और J का बेटा है, K is the son of D and J, ठीक है, and R is the father of D, ठीक है, R is the father of D and K is the son of D and J, ठीक है, डी और जे का बेटा के है और आर जो है वो डी का फादर है, तो के से क्या रिलेशन होगा आर का, हाउ इज आर रिलेटेड टू के, सबसे ये बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि किसका रिलेशन किससे पूछा है, आर का रिलेशन पूछा है किससे, के से पूछा है, ठीक है, बताइए,
ऑप्शन डी फादर, नहीं फादर नहीं होगा भाई, समझो ना बात, ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन और ये थर्ड जनरेशन, जनरेशन वाला कंसेप्ट भूल जाते हो क्या दीपक? क्या क्वेश्चन पढ़ा करो पहले सही से, कभी ऑप्शन डी बोलते हो, कभी ऑप्शन ए बोलते हो, एक आंसर रखना है यार, अभी बताया था एग्जाम में बार बार मौका नहीं मिलता। ठीक है, सुप्रीम किंग ग्रैंडफादर, बिल्कुल सही भाई। आर का बेटा कौन है? डी, और डी का बेटा के, तो आर के का क्या होगा, ग्रैंडफादर होगा या नहीं? ठीक है, क्या होगा ग्रैंडफादर, बट ऑप्शन में ग्रैंडफादर नहीं दिया गया, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, क्या होगा इसका सही आंसर? कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, अच्छा ऑप्शन डी पहले का है। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ग्रैंडफादर ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, कांट बी डिटरमाइंड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बट इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ग्रैंडफादर। अगर ऑप्शन में ग्रैंडफादर होता तो इसका आंसर हम क्या टिक करते, ग्रैंड फादर। ठीक है, क्लियर हुई ये बात, क्या सभी को ये बात क्लियर है? बताइए भाई। क्लियर है सभी को ये बात? क्लियर क्लियर, ठीक है चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कॉरपोरेशन बैंक में पीओ 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन के बराबर है भाई। कंसेप्ट क्लियर होना बड़ी बात है, ये नहीं कि क्वेश्चन करना बड़ी बात है, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन किए जाओ, कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि इस बेस में सिर्फ यही क्वेश्चन बनता है, इस टाइप के 1000 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है चलिए देखते हैं, बोल रहा है आर इज अंकल ऑफ ए, ठीक है आर ए का अंकल है, आर इज द ग्रैंडफादर ऑफ क्यू एंड क्यूज ब्रदर नेम इज पी, क्यू के भाई का नाम पी है, देन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पी टू ए, पी का ए से क्या रिलेशन है? तो वही सबसे पहले क्या डायग्राम, फैमिली ट्री, बोल रहा है आर इज द अंकल ऑफ ए, आर ए का अंकल है, पहली जनरेशन है तो अंकल है। ठीक है, आर ए का अंकल है, यू से डिनोट कर देता हूं मैं अंकल को। ठीक है, फिर बोल रहा है आर इज द ग्रैंड फादर ऑफ क्यू, आर क्यू का ग्रैंड फादर है, तो यानी आर जब क्यू का ग्रैंड फादर हुआ तो एक थर्ड जनरेशन में चला गया क्यू, ठीक है तभी तो आर ग्रैंड फादर होगा। ठीक है, फिर बोल रहा है क्यूज ब्रदर नेम इज पी, क्यू के भाई का नाम क्या है, पी, क्यू के भाई का नाम पी है, अभी क्यू का जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, पी का जेंडर स्पेसिफाई है क्योंकि वो ब्रदर है तो मेल है। फिर बोल रहा है देन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पी टू ए, पी का ए से क्या रिलेशन होगा, पी का ए से क्या रिलेशन होगा, जल्दी से बताइए भाई, इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। बोलिए, कमेंट करेंगे सभी लोग, सी फादर, सुप्रीम किंग, डी अंकल। देखिए भाई आप लोग समझे नहीं बात, आर ए का अंकल है, ठीक है, और जो ये क्यू है इसको आप इस तरीके से समझे, जो ये क्यू है, ठीक है, आर जो आर है वो क्यू का क्या है, ग्रैंडफादर। ठीक है सर, ट्री समझनी है, हाँ दोबारा समझिए, दोबारा बता रहा हूं, आर इज द अंकल ऑफ ए, आर ए का अंकल है,
और फिर बोला है उसने कि q इज r इज द ग्रैंडफादर ऑफ q, r और q में क्या रिलेशन है, ग्रैंडफादर का रिलेशन है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि जो q है ये a का ही बेटा होगा, क्योंकि a क्या है, r का बेटा नहीं है, ठीक है, a r का बेटा नहीं है, r a का अंकल है, ठीक है। बट q और p में क्या रिलेशन है, सबलिंग्स का रिलेशन है, q इज द q's ब्रदर नेम इज p, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं, मतलब r का कोई बेटा रहा होगा, r का कोई सन रहा होगा या बेटा रहा होगा जिसके चाइल्ड q और p हैं, ठीक है। r का कोई बेटा रहा होगा जिसका जिसके चाइल्ड q और p है, ठीक है। अभी a से इनका कोई लेना देना नहीं है, a से इन सभी का कुछ लेना देना अभी तक नहीं है, ठीक है। अब बताइए कि p का a से क्या रिलेशन होगा, भाई p से a का क्या रिलेशन होगा, जो p है ये क्या है, क्या होगा, ये जो p होगा ना, ये p होगा, जो ये p जो होगा ये a का क्या होगा, ये नेफ्यू होगा, ठीक है। ये जो p है ये a का नेफ्यू होगा, कैसे होगा, क्योंकि भाई r है, r का जो भतीजा है या नेफ्यू है वो a है, ठीक है। r का कोई बेटा होगा जिसके बच्चे को q और p हैं, ठीक है। तो भाई a क्या हो गया, इन बच्चों का a चाचा हो गया, और ये बच्चे क्या हो गए, इनके a के भतीजे हो गए, ठीक है। अब आई बात समझ में, अब आई बात समझ में, आया क्वेश्चन समझ, क्वेश्चन समझ आया, ये अब ट्री समझ आया, नॉट क्लियर भाई दीपक, इस तरीके से समझो ना, r है, r का भतीजा a, यानी a का अंकल r, ठीक है। अब a की बात इतनी थी, आगे बोल रहा है कि q इज द r इज द ग्रैंडफादर ऑफ q, r क्या है, q का ग्रैंडफादर है, तो यानी r का कोई बेटा रहा होगा, ग्रैंडफादर जब भी तो बनाओ, और उसके जो बेटे होंगे q और वो बच्चे होंगे q और p रहे होंगे, ठीक है। r के बेटे के बच्चे q और p हैं, a दूसरा है और r का बेटा अलग है, और उसके बच्चे q और p हैं, तो जो a है, ये जो a है ये क्या है, ये p का चाचा ही तो हुआ भाई, अंकल ही तो हुआ, और जो अगर p की मैं बात करूं तो p क्या हुआ, a का नेफ्यू तो हुआ, भतीजा ही तो हुआ, नहीं आई बात समझ। अब खुद से रिलेट करके देखो एक बार यार, हार्दिक ऑप्शन नंबर ही, बिल्कुल हार्दिक ऑप्शन नंबर ही इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो नेफ्यू है, बट हमें ऑप्शंस में, हाँ यहाँ फादर को शो नहीं किया गया है, फादर को हमने एज्यूम कर लिया है, बिल्कुल सही। सो ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। अब क्लियर है बात सभी को, बोलिए। क्लियर हुई बात सभी को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, तो थोड़ा नया कंसेप्ट है, तो ध्यान से समझिए। बोल रहा है, पॉइंटिंग टू ए गर्ल सुबोध सेड, सी इज द डॉटर ऑफ माई मदर ओनली ब्रदर, हाउ इज सुबोध रिलेटेड टू द गर्ल। सुबोध ने एक गर्ल के साइड पॉइंट आउट करते हुए बोला कि सी इज द डॉटर ऑफ माई मदर, ये मेरी मम्मी की लड़की है। सी इज द डॉटर ऑफ माई मदर ओनली ब्रदर, ये मेरी मम्मी के इकलौते भाई की लड़की है, ठीक है। बोल रहा है, हाउ इज सुबोध रिलेटेड टू दैट गर्ल, कि सुबोध उस लड़की से किस तरीके से संबंधित है, ठीक है भाई। ये पॉइंटिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसको पॉइंटिंग टाइप के बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई, अब अगर इसके डायग्राम की मैं बात करूं तो ये कौन हो गया, सुबोध हो गया, ठीक है, ये सुबोध की मदर, ठीक है, ये सुबोध, सुबोध की मदर, ठीक है, और सुबोध की मदर का ओनली ब्रदर, ठीक है, सुबोध की मदर, सुबोध की मदर का ओनली ब्रदर, ठीक है, और ओनली ब्रदर की एक डॉटर, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको बना लिया, सुबोध, सुबोध की मदर का ओनली ब्रदर और ओनली ब्रदर की डॉटर, ठीक है। अब बोल रहा है कि हाउ इज सुबोध रिलेटेड टू दैट गर्ल। अब अगर मैं बात करूं
सुबोध की मदर्स, सुबोध मदर्स ओनली ब्रदर, तो ये जो ओनली ब्रदर होगा ये सुबोध का क्या होगा, मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल होगा या नहीं? ठीक है, जो ओनली ब्रदर होगा, मदर्स ओनली ब्रदर इज मैटरनल अंकल, ठीक है, क्लियर है इतनी बात? एंड मैटरनल अंकल्स डॉटर इज क्या, सिस्टर या कजन सिस्टर, ठीक है। बट रिलेशन किसका पूछा है, सुबोध का पूछा है, किससे, गर्ल से। सुबोध का रिलेशन किससे पूछा है, गर्ल से। सुबोध का रिलेशन पूछा है गर्ल से, तो क्या होगा सुबोध, गर्ल का क्या होगा, सुबोध क्या होगा, कजन ब्रदर, क्या होगा, कजिन ब्रदर। क्लियर हुई है बात सभी को? ठीक है, तो क्या होगा, कजन ब्रदर। बट अब बच्चा यहीं पे उलझता है, कजन ब्रदर आप लोग भी बोल रहे हैं कि कजन ब्रदर इसका आंसर है। अब आपने तो लगा दिया, बट आपको कंफर्मेशन है कि आंसर सही है आप लोगों का? कितने लोग क्लियर हैं कि ये आप लोगों का आंसर सही है? समझ नहीं आया भाई। देखो, ये सुबोध था कोई, उसकी मदर थी, और मदर का ओनली ब्रदर, और ओनली ब्रदर्स डॉटर, ठीक है। अब ये जो ओनली ब्रदर है, ये सुबोध का क्या हुआ, मैटरनल अंकल, और मैटरनल अंकल की जो बेटी होगी डॉटर, वो क्या होगी, सिस्टर होगी, ठीक है, सिस्टर होगी, सही होगा सर? नहीं, सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो भाई, सुबोध का जेंडर स्पेसिफाई तुम्हें है कि सुबोध लड़का है या लड़की है, बोलिए, क्या सुबोध का जेंडर स्पेसिफाई है तुम लोगों को? सुबोध का जेंडर स्पेसिफाई है क्या तुम लोगों को कि सुबोध लड़का है या लड़की है? लड़की भी तो हो सकता है ना सुबोध, बोलिए, जरूरी है कि सुबोध लड़का ही हो? नाम से आप जेंडर स्पेसिफाई कैसे कर सकते हो? ठीक है, तो सुबोध का जेंडर स्पेसिफाई नहीं है यहाँ कि ये लड़का है या लड़की है, तो अभी तुम कैसे कंफर्मेशन के साथ कह सकते हो ये कजन ब्रदर है, कजन सिस्टर भी तो हो सकता है सुबोध? नाम मेल, अरे यार नाम तो मेल का है, बट जरूरी थोड़ा ही है। अब सोनू नाम है, सोनू नाम लड़के का भी होता है लड़की का भी होता है, तो कैसे पता लग जाएगा तुम्हें कि सोनू लड़का है या लड़की है? तो सुबोध का जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, बिल्कुल सुबोध का जेंडर शो नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहे हो दीपक। सुबोध का जेंडर हम यहाँ नहीं बता सकते कि सुबोध लड़का है या लड़की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर डी भी दिया गया है, डाटा इनएडुकेट, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर की डाटा इनएडुकेट। डाटा अभी पर्याप्त हमें नहीं दिया गया है कि उसका जेंडर मेल है या फीमेल है, डाटा पूरा नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये क्लियर हुई बात, जरूरी नहीं कि भाई सुबोध दे दिया तो सुबोध लड़का ही होगा, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। क्या बताया था मैंने जब चार पॉइंट क्लास शुरू की थी, तो चार पॉइंट बताए थे ना कि नाम के आधार पर जेंडर को स्पेसिफाई नहीं करना है, ठीक है। डी भी हो सकता है, डी भी हो सकता, नहीं दीपक, डी ही आंसर है इसका, ठीक है। नाम के आधार पर जेंडर को स्पेसिफाई नहीं करेंगे, वो चार पॉइंट हमेशा ध्यान रखने हैं जो कल क्लास में शुरू होते ही मैंने आप लोगों को बताए थे, क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करेंगे सब लोग, सेम क्वेश्चन है इसी पैटर्न पे। बोला है सुनीता, पॉइंटिंग टू अ बॉय, सुनीता सेड ही इज द सन ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू सुनीता, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू सुनीता। सुनीता है, एक बॉय को पॉइंटिंग कर रही है, ठीक है, बोल रही है कि ही इज द सन ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, सुनीता के ग्रैंडफादर और उनका ओनली सन, ठीक है, सुनीता के ग्रैंडफादर और उनका ओनली सन। एक बार दोबारा से बना देता हूं मैं, आप लोगों को क्लियरिटी हो जाएगी। और ये सुनीता, ये सुनीता के ग्रैंडफादर, ठीक है, और ये ग्रैंडफादर का ओनली सन, ठीक है। तो सुनीता के ग्रैंडफादर का ओनली सन कौन होगा, सुनीताज फादर, सुनीता के फादर होंगे, क्लियर है इतनी बात भाई। ग्रैंडफादर्स ओनली सन कौन होगा,
बताया था कल जब रिलेशन आपको बताए थे, तो ग्रैंडफादर्स ओनली सन कौन होता था? फादर। ठीक है, तो फिर क्या बोले कि ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, यानी ये जो बॉय है ये क्या है, ये सन है ग्रैंड फादर्स ओनली सन का भी, यानी सुनीता का कौन हो गया, ये भाई हो गया, सुनीता का भाई हो गया है ये लड़का जो है। ठीक है, ये जो लड़का है ये सुनीता का क्या है, भाई, सबलिंग्स वाली कैटेगरी में डालेंगे इसको। सो हाउ इज बॉय रिलेटेड टू सुनीता? ठीक है, ये भाई हो गया है, बट अभी क्या सुनीता का जेंडर आप लोगों को स्पेसिफाई है, बताइए। बिल्कुल है, कैसे? पॉइंटिंग टू अ बॉय सुनीता साइड, ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, ग्रैंड फादर के ओनली सन, तो बॉय है। ठीक है, तो बॉय है, तो सुनीता चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, भाई सुनीता चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कुछ भी हो, तो बॉय है, तो भाई ही रहेगा ना, इसका बॉय का जेंडर तो स्पेसिफाई है ना, ये तो बॉय ही है, तो सुनीता चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो बॉय है, तो भाई ही रहेगा, ब्रदर ही रहेगा। ठीक है, क्या ब्रदर ऑप्शंस में दिया हुआ है हमें? नहीं दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज सेलेक्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? बोलो भाई दीपक, क्लियर है क्या दीपक क्वेश्चन? बिल्कुल, बॉय के लिए ही पूछ रहा है, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू सुनीता? क्लियर। चलिए, तो ये पॉइंटिंग टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में वो पूछ लेता है कि कोई भी फोटो दे देगा, कोई भी एक फोटो दे दिया इस तरीके से, फोटो को कोई पॉइंटिंग करेगा और उसका रिलेशन बताएगा खुद के साथ या किसी के साथ, अपना रिलेशन मतलब घुमा फिरा के वो रिलेशन उसको बताएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन या डाटा दिया जाएगा आपको, इस तरीके से उसको अरेंज करना है कि क्या क्या रिलेशन बना रहा है, और लास्ट में आगे फिर उसको रिलेट करना है किसका रिलेशन किससे पूछा गया है। ठीक है, क्लियर है? आज जितने भी क्वेश्चन कराए उसमें किसी को कोई दिक्कत बताइए, आज वाले क्वेश्चन में किसी को भी कोई दिक्कत है? बोलिए भाई, आज वाले क्वेश्चन में किसी को भी कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन सब लोगों के लिए, सब लोग इसको ट्राई करेंगे होमवर्क में, कल की क्लास में आते ही सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस होगा, जिससे नहीं होगा सब लोग ट्राई करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, वीडियो को पॉज करके सभी लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग एक बार, ये आप लोगों के लिए होमवर्क में है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है, सब लोग ट्राई करेंगे इसे। ले लिया भाई सभी ने स्क्रीनशॉट? चलिए, जो आज के सेशन में हमने ब्लड रिलेशन से जो टाइप 1 था उससे रिलेटेड लगभग लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, बिल्कुल, प्रैक्टिस करने के बाद सर कल पूछेंगे अगर डाउट हो तो। बिल्कुल दीपक, कल पूछ लेना, आपको जो भी डाउट हो पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये टाइप 1 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, कल ब्लड रिलेशन का ही टाइप 2 चलेगा। ठीक है, इसमें जो टाइप 2 के क्वेश्चन बनते हैं, कल टाइप 2 के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, तो एक बार टाइप 1 आप लोग क्लियर करके आए, क्योंकि जब तक टाइप 1 क्लियर नहीं होगा तब तक टाइप 2 के क्वेश्चन करना आप लोगों के लिए आसान नहीं रहेगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन को सभी लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, सेम टाइम 10 बजे। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, और सेशन को शेयर कर दें और लाइक करना कमेंट करना मत भूलिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन और क्लास के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। ओके गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।